Hello students, welcome to the class today. So you know we are proceeding with this chapter Bhakti Divine Path, destinations, devotional paths to the divine. We talked about so many devotional paths, isn't it? The devotional paths that people are walking, the religion that they follow, the customs and traditions that they follow, something that is very unique, something that we need to understand. Got it? So, in wake of that, the great saints, the customs and traditions we have talked about, jinke baare mein hum logon ne baat ki, we have discussed about so many great saints, Guru Nanak, Surdas ji, Kabir Das ji, Meera Bhai, Shankara Deva, all these we have talked about. The last video, the great saint we have been talking about, we have talked about the great saint Kabir Das ji. And Kabir Das ji has given us a lot of insight into our own lives. हमको उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं कबीर दास जी से. Got it? So that is what I wanted to make it very clear, that कबीर दास जी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद today we will be talking about बाबा गुरु नानक देव जी. हम देखो ऑटोमेटिकली भी, मैं तो ऐसा कुछ आई एम नॉट फॉलोइंग अ सिखिज्म रिलीजन, लेकिन इन जनरल कॉन्वर्सेशन ऑल्सो जब गुरु नानक देव जी का नाम लेते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट गुरु नानक देव जी, तो ऑटोमेटिकली अपने मुंह से निकल आता है बाबा गुरु नानक देव जी. बाबा, बाबा हम किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर को. मोस्ट रेस्पेक्टेबल पीपल हु आर देयर, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनको हम बहुत मान सम्मान देते हैं, ऑल दीज आर उनको हम बाबा कहते हैं, है कि नहीं? सॉरी, लॉट ऑफ थिंग्स वी नो अबाउट बाबा गुरु नानक देव जी. कबीर दास जी के बारे में हमको उतना नहीं पता है. वी डोंट नो मच अबाउट कबीर दास जी, लेकिन गुरु नानक देव जी के बारे में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, वेयर वी अंडरस्टैंड दैट गुरु नानक देव जी हैज गिवन हिज लाइफ, हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड. ओके, बॉर्न इन 1469 to 1539, मतलब ही पास्ट अवे 1539. ओके, कहां बॉर्न हुए थे? ओके, बॉर्न बिटवीन, बॉर्न इन, हा, तलवंडी. नाम याद रखना है, बॉर्न इन तलवंडी एंड 1469 से 1539 तक वॉज हिज लाइफ. एंड ही हैड, कहां पे? पाकिस्तान में देर इज अ प्लेस कॉल्ड नानकाना साहिब. एट ये आई होप यू ऑल कैन रिमेम्बर इट, एट नानकाना साहिब इन पाकिस्तान. Got it? तो एंड उन्होंने एक सेंटर एस्टैब्लिश किया करतारपुर में, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी. डेरा, डेरा हम किसको कहते हैं? घर को डेरा कहते हैं. यस, आई थिंक द पीपल हु आर फ्रॉम बिहार एंड झारखंड दे कैन अंडरस्टैंड. डेरा कहाँ जा रहे हैं? डेरा जा रहे हैं. डेरा इज हाउस, होम. ओके, योर प्लेस वेयर यू आर लिविंग. सो ही एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर. A center was established at Dera, at Kartarpur. I'm sorry. पहले आपको करतारपुर का नाम देना है, उसका उस जगह का नाम है करतारपुर है.
करतारपुर में ही हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर, आज भी है डेरा बाबा नानक. डेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी. रावी रिवर, यू नो, रावी, चेनाब, झेलम, ऑल दीज आर उसको, क्योंकि पंजाब का नाम ये पांच नदियों की वजह से ही पड़ा है. ठीक है, रावी, झेलम, सतलज, ऑल दीज आर द रिवर्स फ्लोइंग इन पंजाब. तो रेगुलर वर्शिप इनका हमेशा कहते हैं, अक्सर इनके जो वर्शिप करने के लिए आप जाएं, या द पीपल हु आर फॉलोइंग, दे गो टू हिज कॉन्ग्रीगेशंस, जहां पे ये बैठ के बातें करते हैं, जहां पे ये अपनी टीचिंग्स बताते, वेयर ही इज टेलिंग हिज टीचिंग्स. रेगुलर वर्शिप कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स, अपने से लिखे हुए इनके गाने थे. ही यूज टू सिंग हिज ओन हिम्स. हिम्स मतलब जो चैंटिंग होता है, श्लोक जो होता है, मंत्र जो होता है, दैट इन इंग्लिश वी कॉल इट एज हिम्स. गॉट इट? ही यूज टू सिंग हिज ओन हिम्स. अपने मंत्रों का उच्चारण करते थे. एंड इट वॉज एस्टैब्लिश देयर फॉर हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ था. पहले उनका क्या कास्ट था, क्रीड था, वॉट विच कल्चर ही बिलोंग टू, विच ग्रुप ही बिलोंग टू, कहाँ से आए थे, क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर. ओके, लंगर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया. दिस वॉज अ कॉमन किचन. वी ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लंगर. कॉमन किचन होता है, सारे लोग मिलके बैठ के खाना वाना खाते हैं ऑन अंडे, थिंक अबाउट, टॉक अबाउट गुड थिंग्स, अच्छी बातें करते हैं, अपनी परेशानियों को डिस्कस करते हैं, परेशानी से बाहर आने का रास्ता खोजते हैं. ओके, नाउ जहां पे द सीक्रेट स्पेस जो गुरु नानक देव जी ने क्रिएट किया, इट वॉज नोन एज धर्मसाल. सेक्रेड प्लेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक देव जी वॉज धर्मसाल. क्या कहते थे उसको, जहां बैठ के ये अपने प्रेयर्स होते थे, जहां ये मीटिंग करते थे लोगों के साथ, दैट वाज कॉल्ड एज धर्मशाल. नाउ इट इज कॉल्ड एज गुरुद्वारा. गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जहां पे गुरु रिसाइड्स, वेयर द गुरु जी इज स्टेइंग, वेयर ही इज इंटरेक्टिंग विद द पीपल, where he has he is having fun with the people, where he is sharing his food with the people, guru dwara. theek hai, wo dwar jahan se hum guru ke ghar mein enter karte hain, that is called as guru dwara. got it? and he died in 1539 mein. when baba guru nanak dev ji has died, he appointed one of his followers as his successor. उनको लगा कि ये जो अच्छा पाथ, एक अच्छा रास्ता जो सबको दिखाया है, द पाथ दैट ही हैज शोन टू द पीपल विच आई मीन पीपल शुड फॉलो, उनको लगा कि ये ऐसा नहीं हो कि मेरे जाने के बाद ये खत्म हो जाए. दिस शुड नॉट फिनिश, दिस इज वॉट ही वॉन्टेड. सो ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स बिफोर हिज डेथ. So before his death, he appointed one of his followers. क्या नाम था उनका? One of his followers as his successor. ठीक है, नाम क्या था? His name was Lehna, लेकिन बाद में उनको कहा गया गुरु अंगद. As his successor, मतलब जो आगे उनकी teachings को लोगों तक पहुंचाएंगे,
जो आगे उनकी ट्रेडिशंस को कस्टम्स को बताएंगे लोगों को. पीपल शुड नो अबाउट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बाबा गुरु नानक देव जी. सो इनिशियली द पर्सन हुम ही हैज अपॉइंटेड एज हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर के रूप में जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था, द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड हिज नेम वॉज लहना. क्या नाम था? लहना. His name was Lehna. Later he was called as Guru Angad. Later known as, बहुत इनकी भी बहुत worship होती है. The Sikh people, the people who follow Sikhism, they really worship him like Guru Nanak Dev Ji only. He was called as Guru Angad. Got it? Now, because he has established himself in such a big manner, इतने बड़े लेवल पे इन्होंने establish किया, तो ऐसा नहीं था. He was a part of Baba Guru Nanak himself. Guru Angad जो है वो ये बोलते थे कि he is not separate from Baba Guru Nanak Dev Ji. वो उन्हीं के एक अंश है, वो उन्हीं के एक part है. So what did Guru Angad do? उन्होंने बहुत काम किया. जो भी वॉट एवर वॉज द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, जो भी गुरु नानक देव जी ने बताया था लोगों तक पहुंचाया था, ही कंपाइल्ड ऑल द कॉम्पोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक. ओके, सो ही कंपाइल्ड मतलब जो भी वॉट एवर वॉज द सेइंग ही ब्रॉट इट इन वन बुक, एक जगह पे लाके और उसके नाम से एक किताब निकाली उन्होंने, वो सारी चीजें उनकी टीचिंग्स को एक किताब में डाला. सो ही कंपाइल्ड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी and he wanted everybody should know all the, he compiled teachings of Guru Nanak and he added some of his own also. He added some teachings of his own. Apni bhi kuch cheez usme unhone dali. Because he was successor, because he was ardent follower of Guru Nanak Dev Ji, बहुत ज्यादा मानते थे उनको. तो गुरु नानक देव जी उनको अपने बेटे की तरह मानते थे और इसीलिए गुरु नानक देव जी ने उनको अपना शिष्य बनाया और कहा कि मेरे ट्रेडिशन को खत्म मत होने देना, मेरी ट्रेडिशन को आगे लेके चलना. एंड ही कंपाइल्ड अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी. ठीक है, it was known as Gurumukhi. Mukh ka matlab kya hota hai? What is the meaning of mukh? Yes, you all know it very well. Mukh ka matlab hota hai muh. Theek hai? Your mouth. To guru ke muh se jo baatein nikli hui hai, that was all compiled here. So three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak. उन्होंने कहा कि वो नानक नहीं, वो नानक की ही बोली है, हमने कुछ नहीं कहा है. We did not say anything. Whatever is the saying, whatever has been said, it is all by Guru Nanak only. तो further three successors also wrote under the name of Nanak. And all his compositions, जितना भी लिखा गया, everybody used to write, गुरु नानक ने ये कहा, गुरु नानक ने कहा कि सबको, सबके साथ भला करो, किसी को भी दुखी मत करो, everybody should be happy, everybody should be prosperous. All these teachings, all these compositions were compiled by Guru Arjan Dev in 1604. All teachings of गुरु नानक देव जी और उनके सक्सेसर जो थे. ठीक है, ऑल टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव एंड हिज सक्सेसर्स
was compiled by, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, गुरु अर्जन देव का भी नाम आपको याद रखना है. हिज सक्सेसर वॉज गुरु अंगद, बाय गुरु अर्जन देव. गुरु अर्जन देव इन 1604. ये जीके है, आई टोल्ड यू ना, दिस इज जीके, दिस इज नॉट, ये कोई वो नहीं है, ये जीके है. And all his compositions were compiled, and is this compilation was added the writings of other figures. Baki, you know, there were so many people who were spreading their teachings. जो भी लोग अपनी teachings को बता रहे थे, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे थे, उन सारे लोगों की बातें इसमें थी. Okay, खाली ऐसा, it was not like Guru Nanak Dev Ji's teachings were only there. There were other people also whose teachings were included here. Okay? Other great people's teaching was also there. Other great people teaching was also included. Got it? अब ये great लोग कौन थे? Who were these great people? क्योंकि भाई सबसे बड़े तो गुरु नानक देव जी हैं. गुरु नानक देव जी इज द मोस्ट रिवर्ड एंड द मोस्ट रेस्पेक्टेड वन. द अदर पीपल हुज टीचिंग्स वेयर एडेड इन दिस यस आई नो यू ऑल नो द नेम. सबसे पहले जिनकी टीचिंग्स इसमें थी, हिज नेम वॉज शेख फरीद. क्या नाम था? शेख फरीद. ओके, उनकी भी, ही वॉज ऑल्सो अ प्रीचर, ही वॉज ऑल्सो अ टीचर, ही हैज गिवन लॉट ऑफ टीचिंग्स, ही हैज गिवन लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हियर, एंड दिस वॉज वेन कंपाइल्ड एंड इट वॉज फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ बुक. शेख फरीद थे. अभी हमने संत कबीर दास जी के बारे में पढ़ा. द अदर पर्सन वॉज सेंट कबीर, संत कबीर कह लो और सेंट कबीर कह लो. ओके, भगत नामदेव, भगत नामदेव, गॉट इट, एंड गुरु तेग बहादुर, एंड गुरु तेग बहादुर. इन सब की टीचिंग्स जो है इस बुक में डाली गई, एंड इट वॉज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव जी. गुरु अर्जन देव जी ने इसको कंपाइल किया, एक बुक के फॉर्म में इसको लेके आए, एंड हिज सन इन 1604. मतलब इमेजिन हाउ मच वर्क इज इन्वॉल्व इन दिस. Every new successor who is coming is adding some new teachings in this, is adding some new points in this. Got it? And 1706 में this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, Guru Gobind Singh. So in 1706, this, ये जो पूरी book थी, ये जो all the compilation, this compilation was authenticated. Authenticated means इसको finally कर दिया. Authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor. By Guru Tegh Bahadur's son and successor. Tegh Bahadur's son and successor. Got it. और ये जो गुरु तेग बहादुर के सन एंड सक्सेसर, who was it? It was गुरु गोबिंद सिंह जी. नाम सुना होगा आपने. Yes, you might have heard the name of गुरु. Second son and successor, गुरु गोबिंद सिंह. Got it? Very famous personality, very known. And इतने, I mean, imagine the
कंपाइलेशन विच हैड स्टार्टेड, जो बुक लिखनी शुरू हुई थी इन 1604, इट वॉज फाइनलाइज्ड इन 1706. 1604 टू 1706, 102 ईयर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 102 ईयर्स टीचिंग्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब. गॉट इट? इट वॉज गुरु ग्रंथ साहिब. सो द होली बुक ऑफ द सिख पीपल, इट वॉज, प्लीज रिमेंबर, गुरु ग्रंथ साहिब. गॉट इट? दिस इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख पीपल. कोई उनको नो गॉड, नो नथिंग. ये जो बुक लिखना शुरू हुआ, 102 ईयर्स तक ऑल द टीचिंग्स दैट वी आर एडेड, ऑल द गुड डीड्स एंड ऑल द सेइंग्स दैट वी आर इंक्लूडेड इन इट, इट टुक द फॉर्म ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, सो प्लीज रिमेंबर द नेम गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख पीपल. Now, Baba Guru Nanak Dev Ji's followers who are there, they increased day by day. They increased through the 16th century under his successors. Din par din, inke successors jo hai, wo badhte chale ja rahe hain. And till date, it is increasing. What happened that 16th century se, the number of successors is increasing. And number of castes were there, traders were there, agriculturalists were there. Okay, agriculturalists were there, artisans were there, craftsmen were there. They all together formed this culture, this custom, this tradition. Got it? Now, please go. This may be doing something to do with Baba Guru Nanak's insistence. Some things that we need to understand through Guru Nanak Dev Ji's teachings. Got it? So Guru Nanak Dev Ji and his followers, together they were coming up, together they were, it was increasing all through the 16th century. Guru Nanak Dev Ji was the most revered saint in India. Usme different caste people joined him. Why caste system? You know, caste system is such a big wrong thing that has been happening in India. Is caste system ke wajah se bahut sare log bahut pareshan hue hain. So, when they got a guru like Baba Guru Nanak Dev Ji, to they had decided, they had thought ki their followers must be. और उन्होंने कहा क्या, एग्रीकल्चरलिस्ट, हु वर द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉलोअर्स वेयर फ्रॉम वेरी लो कास्ट फैमिलीज, फ्रॉम वेरी डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड काइंड ऑफ फैमिलीज, फार्मर्स मेजरली द पीपल हु वेयर फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी, दे वेयर द ट्रेडर्स फॉलोअर्स वेयर traders, agriculturalists means farmers, agriculturalists, artisans, craftsmen, agriculturalists, artisans, craftsmen, got it? All these people were his followers. And they, aisa hai ki this may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence. Inka ye bhi tha. That he never said ki duniya chhod do, meri saran mein aa jao, whatever I am saying, just do that. He never insisted this. He never talked about this. Got it? So his followers, he said, must be householders, घर में रहने वाले लोग होने चाहिए, घर की चीजों को follow करने वाले लोग होने चाहिए, and they should do good work. Got it? They should be productive,
Their occupation should be useful and they should work for the mankind. आम आदमी के लिए ही इनका काम होना चाहिए. ओके, जनरल फंड्स दे वर एक्सपेक्टेड, जो इनके फॉलोअर्स थे. ओके, ही वॉन्टेड हिज फॉलोअर्स Got it. He wanted his followers to follow certain norms, be productive and involved in useful occupation. सही तरीके का काम करना चाहिए. Got it? तो ही सेड कि कोई भी ऐसा नहीं हो कि सब चीज छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ. कीप डूइंग द वर्क दैट यू आर डूइंग. आप जो काम कर रहे हो वही काम करते रहो. लेकिन वन थिंग दैट बाबा गुरु नानक देव जी हैज सेड, ही सेड व्हाट एवर यू आर अर्निंग, आप अगर 10 रुपीज कमा रहे हो तो उसका कुछ भाग यू हैव टू डोनेट फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर एंड फॉर द मैनकाइंड. जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा के लिए कुछ पैसे जो है वो हमेशा दान करना है. कॉन्ट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स. ओके, सो दे वेयर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू जनरल नॉर्म्स, जनरल आई मीन फॉर जनरल पब्लिक, जनरल फंड्स, जनरल नॉर्म्स एंड फंड्स. दीज फंड्स वेयर टू बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नीडी. मेनी पीपल आर देयर हु आर नीडफुल, हु नीड सम हेल्प ऑल द टाइम. तो ऐसे लोगों के लिए हेल्प कौन देगा? The people who are the followers of Baba Guru Nanak Dev Ji and the people who are following him blindly and want to obey whatever the Guru is saying. By 17th century has started what happened, Ramdaspur. Okay, Amritsar mein there is a place Ramdaspur. Okay? By 17th century, रामदासपुर, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एट अमृतसर. इट डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदिर साहिब. पहले उसका नाम, अब सोचो जहां अमृतसर है, जहां गोल्डन टेम्पल है, इनिशियली वहां पे गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम था रामदासपुर. गॉट इट? रामदासपुर विच इज टूडे कॉल्ड एज अमृतसर, प्रेजेंट अमृतसर. अगेन जीके, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ अमृतसर? रामदासपुर. यू नेवर नो, यू कैन गो टू द करोड़पति, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाए एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? ओके ओके, सो रामदासपुर, अमृतसर, इट डेवलप्ड अराउंड गुरुद्वारा. क्या नाम है गुरुद्वारा का? गुरुद्वारा अमृतसर में वो जो गोल्डन टेम्पल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हरमंदिर साहिब. क्या कहते हैं? हरमंदिर साहिब. गोल्डन टेम्पल, सारा काम अपने आप होता था वहां पे. एवरीथिंग यूज टू हैपन इन देयर ओन मैनर. मॉडर्न हिस्टोरियंस अर्ली 17th सेंचुरी को में दे यूज टू से सिख कम्युनिटी वॉज अ स्टेट विद इन अ स्टेट. मतलब उनका अपनी कम्युनिटी में ही दे वेर सो टूगेदर एंड दे वेर सो मच इन टू देयर ओन सेल्फ दैट इट इज वन ऑफ द वेरी रिमार्केबल थिंग्स. जहांगीर तो लुक्ड अपॉन देम, लेकिन एम्परर जहांगीर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द सिख पॉपुलैरिटी वॉज इंक्रीजिंग. किंग थे ना, King never wants that somebody else should be powerful in comparison to them. They always want their power to be the supreme most. Got it? So, Mughal Emperor Jahangir, unhone kaha ki ye to bada bhai khatra hai.
and he ordered the execution of Guru Arjan Dev in 1606. 1606 में इन्होंने कहा गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट कर दो, मार डालो, ठीक है. दिस इज अनदर स्टोरी, ये थोड़ा डिटेल में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, सो आई विल बी डिस्कसिंग इट विथ यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.